स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगा सिंह और फाइनली आज हम लोग बात करने वाले कुछ अर्निंग्स के बारे में जो होती है एवरग्रीन स्टोन्स या फिर इवोल्यूशन स्टोन्स की। तो गाइस मैं जिस गिल्ड से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम पीकेटी है, हमारे यहाँ पर एक सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि गिल्ड वॉर में कभी हम लोग इवोल्यूशन स्टोन्स पर अटैक नहीं करते, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं होता, और अगर चाहिए भी होता है तो वो हम लोग खुद से ही हासिल करते हैं जैसे हमें करना होता है। ज़्यादा अर्जेंसी हो तो हम लोग देख सकते हैं, पर नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग इवोल्यूशन स्टोन्स पे जाए। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रीसेट ट्रिक पर इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे को देखो, मेरा जो है अभी बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है। मेरे को जो इवोल्यूशन स्टोन चाहिए वो सारे के सारे एक ही दिन पे गिरते हैं। जो मेरे को सलगैलियो के लिए इवोल्यूशन स्टोन चाहिए, साइकिक या फिर स्टील, वो एक ही दिन पे मिलते हैं। मेरे को डिऑक्सिस के लिए भी वही इवोल्यूशन स्टोन चाहिए, मेरे को डार्करा इवोल्यूशन के लिए भी वही इवोल्यूशन स्टोन चाहिए, लाटियोस और लाटियास के लिए भी मेरे को वही इवोल्यूशन स्टोन चाहिए। लिटरली इतना गंदा वक्त चल रहा है मेरे लिए कि मेरे को जो इवोल्यूशन स्टोन चाहिए वो एक ही दिन में मिलते हैं। इसके वजह से मेरे को रिसर्च ट्रिक पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वेस्ट करना पड़ रहा है अपना टाइम। मैंने यहाँ पर क्या किया है गाइज, क्योंकि मेरे को बहुत सारे साइकिक स्टोन चाहिए, तकरीबन 450 मेरे को साइकिक स्टोन चाहिए। एक्चुअली उससे भी कई गुना ज़्यादा चाहिए थे मेरे को, एक्चुअली 500 साइकिक स्टोन चाहिए, जिसमें से लाटियास मैंने इवॉल्व कर लिया है फाइनली। और मेरे को अभी सलगैलियो आर्टो बनाना है, उसके लिए तो मेरे को बाद में भी बनाऊंगा तो वो चलेगा, पर डिऑक्सिस बहुत जल्दी मेरे को कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे को रियल टीम लेके आना है वर्ल्डिंग में। मैं अगर रियल टीम से स्नोलेक्स हटाता हूँ तो मेरे सामने डार्कराय आ जाता है, और अगर मैं वो एस्केप करके डार्कराय के लिए काउंटर स्नोलेक्स लगाता हूँ तो वहाँ पर ग्राउंडर आ जाता है, तो स्टेबल कहीं से भी नहीं रहा है हमारी टीम। तो जब तक ये कायोबे और ये डिऑक्सिस ना बन जाए, क्योंकि हमने स्पीड बहुत हासिल की है उसकी वजह से हमारी एचपी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो वो डिऑक्सिस से ही रिकवर हो चुकी है, और अटैक भी मेरे को चाहिए होगा क्योंकि स्पीड हासिल किया तो कुछ अटैक्स भी सेक्रीफाइस हमने किए हैं, तो वो मेरे को चाहिए था, और वो जैसे तैसे हो भी जाएगा। बस दो कायोग्रे की कमी, और पता नहीं कब देंगे गेम वाले, अगर नहीं भी देते हैं तो एटलीस्ट कोई रोलेट स्पिन दे दो क्रिस्टल्स वाला, जिसमें से मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स मिल जाए और मैं वो स्पिन करके ले पाऊँ, ठीक है। ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते कि बाय कर लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, पर क्यों बाय करें गेम में, क्यों बाय करें भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग एलेक्जाम को कर रहे हैं रीसेट, जो मैंने मेगा वीकेंड 6 कर दिया है। मेरे को बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा, पर हाँ थोड़ा लगा, पर हमने फाइनली इसे हासिल कर लिया है। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने 200 स्टोन मतलब क्रिस्टल्स के बदले से रीसेट किया है। मेरे को बहुत सारे वापस मिले, पर इतने नहीं मिले जितने पहले मिला करते थे। पहले अपडेट से पहले जो रीसेट ट्रिक था वो बहुत ज़्यादा कारगर था। आप रीसेट करो मतलब एक बार मेगा यूकन 6 पर रीसेट अगर आप करते तो तकरीबन 600 के पास या फिर 500 से ज़्यादा इवोल्यूशन स्टोन्स आपको वापस मिलते थे, और 8000 से 10000 एवकन स्टोन्स आपको मिलते थे, जो बहुत बड़ा नंबर होता था। पर अब वो नहीं होता, गेम वालों ने इवोल्यूशन स्टोन्स को घटा दिया है। अगर आज आप लोग कोई भी एस या फिर आर टाइप का पोकेमॉन रीसेट करते हो तो बहुत कम पोकेमॉन्स आपको वापस मिलते हैं, पर अगर आप एसआर और डबल एसआर पोकेमॉन रीसेट करते हो आपको एग्जैक्ट नंबर के पोकेमॉन्स वापस मिलते हैं, उसमें आपको कोई डरने की बात नहीं होती। पर एसआर और डबल एसआर पोकेमॉन पर रीसेट ट्रिक कभी भी ट्राई नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदा होता है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अब कम एलेक्जाम है, मेरे को अभी भी और ज़्यादा इवोल्यूशन स्टोन चाहिए। ऊपर से मेगा एलेक्जाम फैटर्स में भी होता है, स्पेशल अटैक फैटर्स प्लस सिंपल एलेक्जाम स्पेशल डिफेंस फैटर्स में होता है, तो इसको मैं तो हटा नहीं सकता, और मेरे को इवोल्यूशन स्टोन चाहिए भी होंगे। मेरे को और भी ज़्यादा चाहिए ताकि मैं सलगैलियो को लगे यहाँ तो भी इवॉल्व कर लूँ, और इतना इंतजार मेरे से नहीं होता, घंटा जितना वक्त लगेगा पर हम इसे इवॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर से एलेक्जाम को जो है मेगा कर रहा हूँ, और दो मैं वाइल्ड से पकड़ूंगा, उसके बाद वो फिर से मेगा वीकेंड 1 हो जाएगा, मतलब रीसेट करने पर मेरे को 70 और मिलेंगे इवोल्यूशन स्टोन्स। पर मैं उसे मेगा वीकेंड 2 या फिर 3 पर रीसेट करूँ ताकि एकदम से मेरा डिऑक्सिस आउट हो जाए। सलगैली थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, क्योंकि अभी तो उसकी ज़रूरत है नहीं। अगर मेरा रियल टीम मेरे सामने होगा तो मेरे को सलगैली की तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक मैं स्टील टीम पर वापस नहीं जाता, तो वो ऐसे रहे, क्योंकि हम लोग फाइनली अपनी रियल टीम में जाने वाले, तो मेरे को बहुत सारे स्टोन चाहिए। फिलहाल साइकिक स्टोन का इंतजाम हो चुका है, मेरे को ये हो चुका है, बस मेरे को वाटर स्टोन चाहिए होंगे कायोग्रे के लिए, वो भी हो चुका है। मतलब मेरे पास तकरीबन 260 या फिर 70 के पास वाटर स्टोन है, और वो कहीं से भी मेरे को कुछ और मिल जाए ताकि मैं 6th वाले कायोग्रे को इवॉल्व कर पाऊँ, तो वो मैं साइकिक स्टोन वाला के साथ करूँगा, जो वाटर साइकिक वाला होता है पिंक वाला कायोग्रे, उसको इवॉल्व कर सॉलो कर दूंगा, उससे मेरे वाटर स्टोन थोड़े कम हजम होंगे। पर साइकिक स्टोन के साथ ज़्यादा तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे, डिऑक्सिस यहाँ से फाइनल इवॉल्व हो जाएगा। पर अभी भी मेरे को तकरीबन 100 चाहिए होंगे, तो वो जल्दी से हो जाएगा जब एवकन 1 कर दिया मैंने अपने एलेक्जाम को, एवकन 1 कर दिया 2 बहुत जल्दी हो जाएगा, और 3 कर दूंगा मैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे थर्सडे तक हो जाए, नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे तक, तो यही वाला जो ट्यूसडे थर्सडे आ रहा है उस तक तो शायद हो ही जाएगा।
और मैं उस वक्त अपना डिओक्सिस इवॉल्व कर पाऊंगा। होप कर रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट इवेंट में कायोग्रे दे दिया जाए, क्योंकि कायोग्रे दिया जाए, पालकिया दिया जाए और ये ग्राउडन भी दे दिया जाए, इनमें से कोई भी आते हैं, चलो स्काई ड्रैगन भी दे ही दे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में थोड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, जो नया टोर्नाडो देख रहे हो ना डार्क स्टील टाइप, उसे आपने टीम में ले सकते हो, क्योंकि मेरे को एक दिन पहले ही फिर से किसी ने याद दिलाया कि उसके पास अर्ली बर्ड एबिलिटी है, मतलब जो हॉर्नडूम के पास होता है वो भी वही होता है। हार्ड सोड यूजर जिन जिनको हॉर्नडूम चाहिए था वो वहाँ पर ट्राई करते, थोड़ा महंगा पोकेमॉन है और मूव सेट के बाद देखी जाए तो हॉर्नडूम जितनी अच्छी नहीं है या फिर हॉर्नडूम की घटिया ही मूव सेट है, मतलब क्या है, फ्लेम चार्ज है, टॉन्ट है, विलो विल्स है, रेस्ट है, तो एक काइंड ऑफ स्टेलिंग टाइप हो जाते हैं। पर टोर्नाडो उसका ज़्यादा बेहतर होंगे, उसका आर्टू मूव भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्रिटिकल हिट वाला, ऊपर से आप वहाँ पर सनग्लासेस पहन सकते हो, एक्साइटेड पावरफुल लाइट पहन सकते हो, लेफ्ट ओवर्स भी चाहो तो दे सकते हो, पर मैं कहूँगा लेफ्ट ओवर्स ना ही रखो भाई, उस पर वही रखो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ टेल विंड रखो, क्योंकि पूरे टीम को स्पीड देगा। और उसके साथ आप रख सकते हो बल्कअप, क्योंकि उसके पास वो मूव है तो बल्कअप दिया गया तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, एजिलिटी का ही कहेंगे एजिलिटी करें अब कर सकते हो, पर पूरे टीम का भी देख लो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर टेल विंड कह रहा हूँ। और पूरा टीम अगर काम लेके कुछ मूव चलता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, तो टेल विंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने बल्कअप दिया है, क्रंच रखो और उसके साथ रेस्ट रखो। क्रंच क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर आप चाहो तो ब्रिक ब्रेक या फिर दूसरे कोई मूव्स भी रख सकते हो, फाउल प्ले भी रख सकते हो, पर क्रंच में जो मजा है वो किसी और में नहीं। क्रंच मैक्सिमम टाइम ओपोनेंट का डिफेंस माइनस वन करता है, 50% तो नहीं होता, ना ही 60% होता है, पर हाँ ये होता है कि 30 या फिर 20% से ज़्यादा ही मेरे को लगता है कि क्रंच ज़्यादा डिफेंस माइनस करता है। ऊपर से क्रंच का जो मज़ा होता है ना, वो कभी भी ज़्यादा डैमेज दे देता है, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना होता है, क्रंच ज़्यादा बेहतर है कम्पेयर टू फाउल प्ले। फाउल प्ले तभी ज़्यादा डैमेज देगा जब अपोनेंट ने अपना अटैक ज़्यादा बूस्ट किया हो, तब भी फाउल प्ले भी आप रख सकते हो, क्रंच आप फाउल प्ले दोनों में से आप कोई भी रख सकते हो, होल्ड आइटम आप यहाँ पर सनग्लासेस रख दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जी मूव की बात करें उसके तो स्पेशल अटैक जी मूव है, ये घटिया है, पर हालांकि पोकेमॉन टोटल अटैक टाइप है, उसका जी मूव स्पेशल अटैक टाइप है। और सेम है सल्गैलियो वाई, ठीक है, जिन जिनको पता है सल्गैलियो वाई का जी मूव क्या है, स्पेशल अटैक जी मतलब जी मूव है, थोड़ा फ्लिंच करेगा उसका डिफेंस माइनस टू कर देगा, ये भी उसका भी वही काम है, बस सल्गैलियो वाई क्या रहता है स्पेशल डिफेंस माइनस टू करता था, ये डिफेंस माइनस टू करेगा, तो शायद गलती हुई है यहाँ से जी मूव में उनके, पर कोई भी है जैसे भी अर्ली बार्ड एबिलिटी दी गई और मेगा में ही मिल जा रहा है, मतलब आप मेगा से लोगे तो मिल जाएगा। जिन जिन लोगों ने म्यूटू लिया है तो कंपेयर टू म्यूटू वो ज़्यादा बेहतर होगा गाइज, क्योंकि स्पीड है उसके पास, म्यूटू के पास भी तो ऑब्वियसली है, और बस यही है कि ये आर टू बनाना ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि एशार सर्ट के साथ है, और म्यूटू भाई थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए, पर म्यूटू ये याद रखना 10 है वाइल्ड में और आप उसे जल्दी से अवेकन कर सकते हो। म्यूटू एक डबल एस आर पोकेमॉन है, आर टू नेबर 38 आई वैल्यू तक जा सकता है और गिल्ड वॉर में उसके शर्ट्स भी होते हैं, तो यहाँ पर पड़ रहा कहीं ना कहीं जो टोटल जो है दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो म्यूटू ज़्यादा ईजी होगा अगर आप लोग अच्छे गिल्ड से बिलोंग करते हो तो, पर अगर आप कमज़ोर गिल्ड से बिलोंग करते हो तो आप टोर्नाडोस को ले सकते हो। अभी इवेंट में भी है तो अगर आपके पास बहुत सारे इवेंट आइटम्स है तो कोशिश कर लो इसे आर टू बना देने की। अगर आप एस सर्वर से हो ठीक है, एस सर्वर से हो तो आर टू बना सकते हो, अगर आप ए सर्वर से हो तो मेगा ही काफ़ी होता है आपके लिए, आपको बस डार्क फ्लैश स्टॉपर चाहिए और टेल विंड पोकेमॉन लगाने के बाद आपके पास कोई भी स्लो किलर होगा वो तेज़ बन जाएगा, ठीक है, चार टर्न्स के लिए आपकी पूरे टीम की स्पीड डबल हो जाती है, तो ये सोच के देखो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया आप, टपा टप टप मारते जाओगे, ओपोनेंट्स आएंगे मारे जाएंगे आएंगे मारे जाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर होगा कम्पेयर टू अगर आप म्यूटू बनाते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, नॉक ऑफ विलो वेस्ट, और ठीक है नॉक ऑफ लगा सकते हो, पर टॉन्ट पड़ने के बाद विलो वेस्ट आप कैसे लगाओगे, ये सोचने वाली बात होगी, तो देख के रखो आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। पर सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा खुश हूँ टोर्नाडोस की तरफ, पर मैं नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत सारे पोकेमॉन बना लिए हैं भाई, अब वीआईपी वाले में देख लो 10 से या फिर 11 पोकेमॉन हो चुके हैं टीम में और मेरे पास सिर्फ अभी 3 ही 7 स्टार है, क्योंकि इन सबको 6 स्टार बनाने के चक्कर में मैं 7 स्टार में पीछे रह गया। और वीआईपी जीरो बात करो तो वहाँ पर अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर 6 पोकेमॉन मेरे को चाहिए, पर टोर्नाडोस कहीं से भी फिट नहीं बैठता उस पर, और हो सके तो मैं वीआईपी जीरो में कुछ और बनाऊंगा, डार्करा अगर होगा तो देखेंगे, क्योंकि डार्करा में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, कोई और पोकेमॉन जो थोड़ा बेहतर हो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, डार्करा स्टॉपर ना भी हो तो चलेगा, वो देख लेंगे बाद में जो होगा देखा जाएगा, सारी टीम में स्क्रिप्ट ऑफ डाल दूंगा, पर एक अच्छा पोकेमॉन चाहिए। वीआईपी जीरो वाला मेरा ड्रीम टीम है, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वैसे ही बनाए, बस आखिरी पोकेमॉन मेरे को अभी तक नहीं मिला है, मैंने लुकारियो डिसाइड किया था पर लुकारियो फोर कोड बल्कअप के साथ बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, मतलब बैटल किसी भी पोकेमॉन को मारने में या मरने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, और इतना वक्त स्टेलिंग टाइम मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पर सल्गैलियो भी हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि टोटली मेरे को अच्छा टीम चाहिए, जो टीम चाहिए जो किसी ने देखा ना हो तो अजीब लगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, वो टीम मेरे को चाहिए, तो वहाँ पर मेरे को वो पोकेमॉन मिला नहीं है। हम लोग टर्नटोर भी वहाँ पर नहीं रखने वाले, क्यों नहीं, मेरे को पता है टर्नटोर की वीकनेस स्ट्रेंथ सारी चीज़ें पता है, एसपी टाइप होने के बावजूद नहीं हम लोग कोई और रखेंगे, पर जो भी रखेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होगा टीम के साथ,
तो अभी तो मेरे को जो जो स्टोन्स चाहिए थे मेरे को अभी मिल गया। अभी भी मेरे को थोड़े साइकिक स्टोन्स चाहिए पर बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे। अगर कोई रीसेट ट्रिक ट्राई करना चाहता हो मैं कहूँगा गाइज, अगर आप ट्राई करना चाहते हो आपको बहुत सारे इवोल्यूशन स्टोन्स और रिवेकी स्टोन्स की जरूरत है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, पर ये उन्हीं पोकेमॉन्स पर ट्राई करना जो वाइल्ड में अवेलेबल है। और कभी भी डबल एसआर और सिंगल एसआर पोकेमॉन पर रीसेट ट्रिक मत ट्राई करना। रीसेट ट्रिक में कुछ नहीं करना होता, आपको वाइल्ड से पोकेमॉन पकड़ने होते हैं और उनको डायरेक्टली सॉलो करना होता है। उसके बाद मेगा वीकन 6 पर रीसेट कर दो, आपको बहुत सारे वीकन स्टोन्स और इवोल्यूशन स्टोन्स वापस मिलेंगे। जितने वीकन स्टोन्स आपने खर्च नहीं किए होंगे उसके टाइम में 2-3-4 टाइम्स आपको वापस मिल जाएंगे, और इवोल्यूशन स्टोन्स जितने आपने खर्च नहीं किए होंगे उसके टाइम में 4 टाइम्स उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। 4 टाइम्स से भी ज़्यादा मिलेंगे, आपको सच बता रहा हूँ। बहुत सारे इवोल्यूशन स्टोन्स और वीकन स्टोन्स मिलेंगे। हम जैसे प्लेयर्स जो ये सारी चीज़ें गिल्ड वॉर से नहीं लेते ज़्यादातर, हम लोग यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं और इसीलिए हमारे पास 28K 30K तक वीकन स्टोन्स होते हैं। अनलेस एंड अंटिल आप बहुत बड़े गिल्ड से बिलोंग करते हैं जो हर गिल्ड वॉर में रिवॉर्ड्स लेते ही होंगे, जैसे कि इवोल्यूशन स्टोन्स वीकन स्टोन्स कंपलसरी होगा उनका, तो उनके पास होता है, पर हम लोग ऐसे नहीं लेते। हम रीसेट ट्रिक तब से ट्राई कर रहे हैं जब से किसी को पता नहीं था, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ जब मैंने इसे ढूंढा, तो मैं तब से ट्राई कर करके आज तक मैंने अपने स्वाफर्ड को आरसीबन कर लिया, मोबाइल आरसीबन कर लिए, गिंगार वगैरह भी कर लिए। गिंगार तो मैंने इवोल्यूशन स्टोन्स कुछ ढूंढ के नहीं किया, मैं डायरेक्ट सॉलो किया, पर स्वाफर्ड को मैंने रीसेट ट्रिक की वजह से किया। तो हो गया, वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।